हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोनाजिम किचन। आज हम आपको बताएंगे सोयाबीन आलू की सब्जी कितनी आसान तरीके से बनाया जाता है। सोयाबीन में हाई लेवल प्रोटीन रहने की वजह से ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस सब्जी के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा साइज का आलू है जो उबाला हुआ है, और यहाँ पे 30 सोयाबीन पानी में उबाल के अच्छे से निचोड़ के रखा है। और देख लेंगे किन किन सूखे मसालों की जरूरत है इसमें। यहाँ पे है 2 लाल सूखा मिर्च, थोड़ा सा जीरा, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ है, और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ है, एक थोड़ा सा कसूरी मेथी है और नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा तेल भी ले लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें तेल डाल के नमक हल्दी मिला के सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर कढ़ाई में तेल डाल के आलू को नमक हल्दी मिला के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा लाल लाल करके। लाल हो जाएगा जब, तब आलू को छोटा छोटा करके जैसे तैसे करके काट कर लेंगे। उसके बाद उसको उठा लेंगे एक बटन में, और कढ़ाई में तेल डाल के जो सारे सूखे मसाले थे वो डालेंगे। पहले सूखा लाल मिर्च डालेंगे, फिर उसके बाद जीरा डालेंगे। फ्लेम को लो में रखेंगे वरना जल जाएगा। जीरा डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, फिर टमाटर भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद जितनी सारी मसाला है, अदरक है, अदरक को डाल देंगे। इसमें अदरक ग्रेट किया हुआ ही चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हम जो बड़ी कटी हुई हरी मिर्च थी उसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च उसको मिला लेंगे, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा सा चला लेंगे वरना इसे जल जाएगा। ध्यान में रखिएगा फ्लेम को अभी कम रखना है, गैस की फ्लेम को। अभी जितने सारे सूखे मसाले थे सब एक एक करके डाल देंगे, धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च। पहले थोड़ा सा नमक दिया था तो कढ़ाई में थोड़ा सा नमक है, बाद में देंगे। इसको अच्छे से मिला के इसमें आलू डाल देंगे जो फ्राई किया हुआ था, अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमारा जो सोयाबीन फ्राई किया हुआ था थोड़ा सा उसको डाल देंगे, फिर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसको चलाते हुए 2-3 मिनट तक लो फ्लेम में हमें पकाना है। ऐसे पकाते रहना है हमें, और जब हम पानी डालेंगे उससे पहले थोड़ा देर पहले 10 सेकंड पहले फ्लेम को थोड़ा हाई मीडियम में कर देंगे। कढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम पानी डालेंगे। ये हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसको पानी डाल देंगे। अब देख रहे हैं कढ़ाई कितना गर्म हुआ है, धुआं उठ रहा है, इसमें चारों तरफ पानी के चारों तरफ उबाल भी आ गया है। तो इस रेसिपी में कढ़ाई को अच्छे से गर्म करना जरूरी है। अब इसमें हम कसूरी मेथी मिला लेंगे, फिर इसको ढक के 3-4 मिनट तक छोड़ देंगे लो फ्लेम में। 3-4 मिनट बाद अब ढक्कन हटा के देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर कलर आ गया है, और सारे के सारे सोयाबीन सॉफ्ट भी हो गए हैं। आलू पहले से उबाला हुआ था, टेस्ट अंदर चला गया है। सोयाबीन और आलू के अंदर सारे जो खाने की टेस्ट अंदर चला गया है। इसको ढक के गैस ऑफ करके छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम देखेंगे, ये देखिए ये रेसिपी तैयार है। अब अच्छे से इसको किसी कटोरे में सर्व कर लेंगे। आज के लिए तो फ्रेंड इतना ही। कितनी अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।